देश की जनता वोट हो रहा है, वोट रहा है। अब उनका जाना तय, बिल्कुल तय, संविधान खत्म करना चाहते हैं, बाबा के नाम को मिटाना चाहते हैं और हम लोग देश के बेरोजगारों को, गरीबी को, भारत के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, प्रजातंत्र को कोई आँच हम लोगों ने यहाँ नहीं दिया। चारों तरफ और भी जो चुनाव होने वाला है असेंबली का, उसमें इनका सफाया, इनका कहीं कुछ है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे दर्श न्यूज, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने आज सुबह सुबह बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भोले बाबा के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि पीएम मोदी देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए ये तक कह दिया कि 2024 में एनडीए का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आप पहले वो सुन लीजिए। देश की जनता वोट हो रहा है, वोट रहा है। अब इनका जाना तय, बिल्कुल तय, और हम लोग देश के बेरोजगारों को, गरीबी को, भारत के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, प्रजातंत्र को कोई आँच हम लोगों ने यहाँ नहीं दिया। संविधान खत्म करना चाहते हैं, बाबा के नाम को मिटाना चाहते हैं, अभी जो संयुक्त राज्यों में असेंबली का चुनाव हुआ उसमें बुरी तरह से पराजय हुआ है। बिहार में भी झारखंड में भी चारों तरफ और भी जो चुनाव होने वाला है असेंबली का, उसमें इनका सफाया, इनका कहीं कुछ है नहीं। बाबा बैद्यनाथ बासुनाथ जी से प्रार्थना हमने किया, सब लोगों को ताकत, काफ़ी ताकत दे, तो कोई रास्ता इनको नहीं बचाए लोगों को। हनुमान जी का नाम, महावीर जी का नाम लेते हैं। कर्नाटक में देखते हो कि भाषण शुरू करते प्रधानमंत्री रंग बली भी जाए, रंग बली को भी ये छलने का काम किए, लेकिन बजरंग बली ऐसा गद्दा मारे ये लोग, साफ हो गए वहाँ, और फिर पूछने वाले नहीं आए उनको गद्दा का मार। हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग, हम लोग निस्वार्थ सभी लोगों को दुख दर्द सब खत्म भगवान करें, तकलीफ को खत्म करें, उसमें हम लोग याचना करते हैं। यही सब पटना में से आए हैं, सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करा कर आए। सबसे बड़ा डॉक्टर तो ये बाबा बैद्यनाथ है, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन, बाकी और कुछ शरीर में होगा तो बाबा बैद्यनाथ बुलाए हैं, बिना बुलाए कोई नहीं।
प्रधान हाजिर दिए सब परिवार वाले देवी हम आए सब लोग प्रकाश करा आगाम सब लोग कुछ सर सर इंडिया के कोऑर्डिनेटर कौन होंगे हैं ये जो इंडिया गठबंधन है उसके समन्वय में किनको बनाने की ना तो बन गया लोग ना कमेटी बन गई है ना जी कमेटी बन गई क्या हो गया देश में जनता को क्या फायदा होगा लोगों को बुला के इतना खर्चा कर के देश का प्रॉपर्टी बर्बाद करके देश के आम आम जनता को क्या फायदा होगा और द्वारा ढोंग करने से तो चलो लोग जाओ पत्र हम लोग है ये हैं बाकी बाबा बैजनाथ सर कर रहे हैं चुनाव में तय कर रहे हैं सीट की तैयारी कब तक संभव है सर तैयारी जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साध दिया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को लेकर एक तरफ जहां बड़ी भविष्यवाणी कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ अब लालू प्रसाद यादव के इस दावे में कितना दम है 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर किस तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिल सकती है इस बारे में आप क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए।